घर ही आऊंगा ना बेबी, और मैं क्या मंदिर चला जाता हूँ रोज। तुम क्यों इतना नाराज हो रही हो यार? तुम ना बिना सोचे समझे अपने भाई की हर बात पे एकदम यकीन मत किया करो यार, झूठा है वो। अरे कश्मीरा, कह दे रहे इससे कि मेरे बेटे को बीच में ना लाए। ओ सासू माँ, हेलो, बीच में आप आ रही हैं? वो भी मियाँ बीबी के निजी मामले में, गलत जगह है ये। आना है तो सही जगह आओ ना, कहीं ट्रक के टायरों के बीच आओ। तुम चुप करो संजू, अपनी गलतियां छुपाने के लिए मम्मी को बीच में मत लाओ, समझे? तुम तो घर आओ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। फिर खून की नदियां बहेंगी। बेस्ट ऑफ लक भाई। अरे जंगल पे नहीं घूम रहे, जू में है, पिंजरे में है जानवर, ना क्या डर रहा है? यार साजन, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत खतरनाक गोरिल्ला है वो। तू चाबी लाया कि नहीं लाया? हाँ लाया हूँ। ला दे चाबी। अरे यार तू मेरी बात सुन, मैंने ना इतना भयानक शक्ल का गोरिल्ला आज तक नहीं देखा, कसम से। तेरे को मैं शाम को आईना दिखाऊंगा, तू अभी आ। यार यार देख कैसे शांति से बैठा हुआ है यार, एकदम संत गोरिल्ला। हमका तूने इसको बदना, इसलिए कहते हैं किसी आदमी को जाने बिना ना उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा बैठा दिख पड़ रहा है यार, वो कुछ नहीं करेगा। चल खोल। अच्छा तू खोल। तू महा डरपोक है यार खिलौनी, और बोल रहा हूँ कुछ नहीं करेगा। देख कितना शांत है यार। चल आ जा। हाँ आ जा। भगवान, अरे यार साजन मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई। देख 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 कितना प्यार, देख 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 हाथ चाट रहा, देख बस बस भूख लग जाएगी। कितना प्यार है। अबड़ा किताब दे दे, किताब दे दे, किताब दे दे। देख कितना अच्छा गोरिल्ला है यार, तू भी यार जबरदस्त। कितना अच्छा लगता है ना जब एक आदमी काम से थका हारा लौटकर घर वापस आए और सारा परिवार एक साथ बैठकर टकटकी लगाए उसकी राह देख रहा हो। जूता कहाँ है? वो बना लो बहाने, बना लो। नहीं नहीं बहाना नहीं यार, वो बस में ना एक आदमी को एक्चुअली मिर्गी आ गई थी, तो मैंने अपना जूता उसको सूंघने के लिए दिया, तो वो जूता लेके उतर गया कमीना बस से। इसके टाइप का था कोई? एरी कश्मीरा, कह दे रहे इससे इसकी सच्चाई बाहर आ चुकी है, तो ज्यादा बातें बनाने की कोशिश ना करे। वैसे बातें तो नवाब साहब बनाया करते थे। नहीं माने मम्मी। तुम इतना लेट क्यों है? और ये निशान, ये करोच कैसे आई? जीजा यू तो निशान से थारी काली करतूतों का प्रमाण से, भारी बात मान ले जी जी, असल में जीजा हैवान से। क्या बात है? चुप कर बे, कविता गोष्ठी हो रही है, बिल्कुल तुक पे तुक बांध रहा है। निशान से, प्रमाण से, हैवान से, यही मार दूंगा जान से। चुप करो संजू, और मेरे सवालों का जवाब दो, ये खरोच कहां से आई? बताऊंगा ना बेबी, बताऊंगा ना मैं, समझा करो यार, मैं इन लोगों के सामने क्यों बताऊं मैं अपनी प्राइवेट पर्सनल बातें।
ठीक है, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा हक है पूछने का, मेरा फर्ज है बताने का, मैं अकेले में बताऊंगा, उसके बाद में अगर जो भी सजा भी मिलनी होगी तो मैं अकेले झेलूंगा, लोगों के सामने क्यों? बिल्कुल ही मियां बीवी का झगड़ा ना हुआ मैटनी शो हो गया, फ्रंट रो में ऑडियंस बैठी हुई है, पॉपकॉर्न मंगवा दूं? एरी कश्मीरा, कह दे रही इससे कि ये जो कहानियां बनाता है ना, ऐसे तो सिर्फ फिल्मों में होता है। खैर हमें क्या, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। ऐसी बेइज्जती तो हमारे नवाब साहब ने भी कभी नहीं की। चल रे भूपेश। अरे चलो ना, जाने दो ना यार, मैंने क्या गलत बोल दिया? और जाएंगे कहाँ, अगला कमरा ही है उनका, वहीं तक जाएगी और कहाँ निकल जाएगी। तुम इधर आओ, तुम बैठो, देखो मेरी आंखों में देखो बेबी। कब से तो वही कर रही हूँ, यही जानने की कोशिश कर रही हूँ, यही सुनने की कोशिश कर रही हूँ कि खरोच आई कहाँ से। खरोच को गोली मारो यार, दो मिनट के लिए ना, सिर्फ सिर्फ मेरी आंखों में देखो गौर से, ठीक है? देखो मेरी आंखों में, सब कुछ अच्छा लगेगा, जो भी मैं कहूंगा तुमसे सिर्फ वही सच्चा लगेगा। देखो मेरी आंखों में, सब कुछ अच्छा लगेगा, जो मैं कहूंगा तुमसे बस वही सच्चा लगेगा। देखती जाओ, बिना पल के झपकाए मेरी आंखों की गहराई में डूब जाओ, मेरी आंखों के पॉन्ड से बॉन्ड बना लो। कश्मीरा देखो, भूपेश ने तुमसे जो कुछ भी कहा ना, वो सब कुछ झूठ है, झूठ, ठीक है? मैं मैडम के साथ लिफ्ट में कभी था ही नहीं, और ये जो निशान है ना, ये मैं एक्चुअली झाड़ियों में तुम्हारे लिए गुलाब का फूल तोड़ने के लिए घुसा था, तो मैं झाड़ियों में गिर गया लपेट के, तो इससे ये खरोच आई है, ठीक है? अब मुझसे डिनर के लिए पूछना। चलो ना बेबी डिनर करते। डिनर का तो आज मन नहीं है, सिर्फ स्वीट डिश खाऊंगा। चलो स्वीट तो खिलाओ। स्वीट डिश खिलाओ। आओ खिलाओ। अरे यार ये कौन आ गया, रुको मैं देखता हूँ। मर गए। तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। क्या? फूल लायो, आइसक्रीम लायो। ए, ए, नहीं, इधर बैठो, यहाँ देखो मेरी आंखों में देखो। क्या संजू, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। पता है मुझे तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, लेकिन इतनी भी नहीं है। ओफो, ऐसा कुछ नहीं बेबी, तुम दो मिनट के लिए सिर्फ मेरी आंखों में देखो ना, देखो देखो मेरी आंखों में, सब कुछ अच्छा लगेगा, जो मैं कहूंगा तुमसे बस वही सच्चा लगेगा। देखती रहो, बिना पल के झपकाए मेरी आंखों में डूब जाओ, मेरी आंखों के पॉन्ड से बॉन्ड बना लो। देखो कश्मीरा बेबी, आज की रात तुम्हारे लिए संजना मैडम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तुम्हारे लिए एक हवा की तरह है, जिसे तुम ना देख सकती हो, ना सुन सकती हो और ना ही महसूस कर सकती हो। वेरी गुड।